तेरी ट्यूशन कितने बजे है और कौन कौन से है? कितने बजे? अच्छा, यस बेटा, थर्टींथ बताते हैं, थर्टींथ नंबर। करते हैं बेटा एक्सप्लेन। सर आप पहले 14 बता देते हैं। हाँ 14th बताते हैं बेटा, बताते हैं। करते हैं टेक्स्ट में। फोर्टीन नंबर देखते हैं बेटा। दिस वन इज, कह रहे इसको ए प्लस आई का बी के फॉर्म में लिखते हैं। जेड हमें दिया हुआ है 3 + √5 iota इंटू 3 - √5 iota डिवाइडेड बाय √3 + √2 iota माइनस √3 - √2 iota। तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म नहीं है, हमें पता है सिंपलीफाइड फॉर्म का मतलब तो दो बॉक्स है बस। तो कैसे करेंगे बेटा देखिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कि थ्री को सबसे, रूट फाइव को सबसे, तो चार टर्म्स आएंगे। या हमारे पास फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, रूट थ्री कैंसल, रूट टू आई माइनस माइनस प्लस रूट टू आई प्लस रूट टू आई को क्या कहेंगे बेटा, टू रूट टू आई। एप्पल प्लस एप्पल को क्या कहेंगे, टू एप्पल, एप्पल इज एप्पल इज रूट टू आई। रूट टू आई कॉमन ले लो, 1 + 1 बच गया तो 2√2i आया नीचे। ये माइनस का साइन है, ये नहीं कि ए प्लस बी माइनस बी इधर नहीं आते। तो √2i + √2i, एक्स प्लस एक्स का नाम 2x, एप्पल प्लस एप्पल का नाम 2 apple, केजी क्लास में सिखाया गया है। और एप्पल क्या है, √2i, एज इट इज प्लस एज इट इज ट्वाइस एज इट इज। रूट टू आई कॉमन ले लो तो 1 + 1 बच गया, नीचे 2√2i आना चाहिए। तो ऊपर तो क्या बन गया बेटा, 9 - 5i² i की कोई पावर नहीं छोड़नी, i स्क्वायर है, i स्क्वायर का मतलब -1, तो ये आ गया 14/2। ये आ गया 7/√2i। ट्रिक बता दी थी हमने आपको,
इलेक्ट्रिक बताई थी भी ए और आई है तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना, क्या करना है आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा ए आई ओवर आई स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस ए आई आएगा। नीचे आई नहीं होना चाहिए, तो आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड करना है, तो ये आ गया सेवन आई ओवर रूट टू आई स्क्वायर। फर्दर क्या आ जाएगा, तो सेवन आई फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जेड क्या आ जाएगा, सेवन आई डिवाइडेड बाय माइनस रूट, तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो बॉक्स लिख रहे हैं जीरो प्लस आयोटा सेकंड बॉक्स इज माइनस सेवन बाय रूट, यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, नीचे रूट नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो फिर से पॉज होगी। हेलो सर, सर आपका वीडियो और ऑडियो दोनों पॉज हो गया। हेलो हेलो, फोन कर देते हैं सर को। मुझे
आवाज नहीं आ रही लगे यस बेटा फिर से एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से एक्सप्लेन करते हैं सर आपकी वीडियो नहीं आ रही हाँ बेटा अभी अभी करते हैं अभी करते हैं। बेटा वीडियो अब ओके क्या वीडियो ऑडियो सर वीडियो ओके नहीं है वीडियो ठीक करते हैं सर हेलो आप बेटा अभी करते हैं एडजस्ट अभी करते हैं यस बेटा फिर से करते हैं एक्सप्लेन ये वाला क्वेश्चन वीडियो अभी भी ब्लर है यस बेटा वीडियो ओके है क्या अब आई नहीं रही नहीं आ रहा ठीक है बेटा थोड़ा सा अभी अभी ये वाला लेक्चर इसके बाद थोड़ा ब्लर होगा क्योंकि इसमें बैटरी थोड़ी सी डाउन है अभी अभी करते हैं बेटा ये एक्सप्लेन बाकी लेक्चर कल करेंगे लेकिन पहले ये वाला एक्सप्लेन करते हैं जो चल रहा है 14th क्वेश्चन देखें बेटा 14th फिर से देखें ओके बेटा दिस वन इज 3 + √5π * √3 - √5π √3 + √2i - √2i इसको हमने x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में a प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखा है तो वे a प्लस b a माइनस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा i स्क्वायर को माइनस वन लिखा तो ये 14 बन गया ओवर 2√2i तो 7 / √2i i इनटू i तो 7i/√2i स्क्वायर हो गया तो 7i - √2i रियल पार्ट अलग इमेजिनरी अलग आंसर 7 स्टेप तक भी ठीक है बट रैशनलाइज़ रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड 7√2/2 आपको स्टेप नंबर पूछना पड़ेगा बेटा कोई डाउट है तो सिंपलीफिकेशन में अगर आपको कोई डाउट है तो स्टेप्स पूछिए सिंपलीफिकेशन में कोई डाउट नेक्स्ट देखिए बेटा बीच में जो तीन क्वेश्चन रह गए वो क्या है बेटा That is multiplicative inverse. वो क्या होता है बेटा multiplicative inverse. Multiplication का उल्टा
डेफिनेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI या रेसिप्रोकल ऑफ Z, इसका आंसर आएगा 1/Z, डिनोट करेंगे Z पावर माइनस 1 को 1/Z लिखेंगे, 1/Z। तो जेड क्या है, ए प्लस आयोटा बी, लेकिन ये तो आंसर नहीं हो सकता, आयोटा तो नीचे है, हमें तो दो बॉक्सेस चाहिए, फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स। तो ट्रिक क्या है, ए ओवर आई था तो सिर्फ आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे हम, तो ए आई ओवर माइनस वन तो माइनस ए आई आ, लेकिन नीचे अगर आयोटा है, नीचे अगर आयोटा है तो क्या करेंगे, a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई, a माइनस आयोटा b से डिवाइड, तो ऊपर तो आया, अगर नीचे a प्लस आयोटा b है, प्योरली इमेजिनरी था, केवल आयोटा था तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन आयोटा के अलावा अगर रियल पार्ट भी है, रियल पार्ट, तो आप क्या करेंगे, a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये बन गया a माइनस आयोटा बी ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अलग अलग कर लेंगे इसको, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जेड पावर माइनस वन, वन बाय जेड, वन ओवर ए प्लस आयोटा बी, लेकिन ये आंसर नहीं है, रैशनलाइज करना है, यानी बीच में माइनस साइन लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड। 12th देखिए बेटा, क्वेश्चन 12 सर। यस बेटा पूछिए। सर ये 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी को किससे मल्टीप्लाई किया है? ए माइनस आयोटा बी से। ओके सर, a प्लस आयोटा बी है तो a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई, a माइनस आयोटा बी से डिवाइड, ताकि नीचे आयोटा खत्म हो जाए, तो क्या आएगा, a माइनस आयोटा बी, नीचे a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, a माइनस आयोटा बी, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दोनों के नीचे एडजस्ट कर देंगे, तो क्या आएगा ये फर्स्ट बॉक्स में, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्मेट बनाने के लिए, तो केवल आयोटा होनी चाहिए तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन ए प्लस आयोटा बी है तो ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल एक ही बात। क्वेश्चन देखे 12th और 13th, क्वेश्चन 12, जेड दे रखा है रूट फाइव प्लस थ्री आयोटा, जरा जेड इनवर्स निकालिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या आंसर होगा, वन ओवर रूट फाइव प्लस थ्री आयोटा जेड इनवर्स, पर ये आंसर नहीं है, क्यों, आंसर तो हमें x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में चाहिए, तो क्या करेंगे, इन बिटवीन साइन चेंज करके, जो भी डाउट आया था इन बिटवीन साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर तो आ गया रूट फाइव माइनस थ्री आई, नीचे आ गया रूट फाइव स्क्वायर माइनस थ्री आई स्क्वायर, ये रूल, तो जेड इनवर्स क्यों, हमें तो दो बॉक्सेस चाहिए बेटा, रूट फाइव माइनस थ्री आई, नीचे आ गया बेटा
5 minus 9 i square root 5 minus 3 i square comes from minus 1, so 5 minus minus 9, so root 5 by 14 plus minus 3 by 14 i. ये आंसर होगा बेटा, क्योंकि आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। स्टेप्स जो बोर्ड पे लिखे हैं इसमें कोई डाउट है तो पूछे। 1 2 3 4 5 6 नंबर बोले हैं आप, जो स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं इसमें कोई डाउट है तो बोले हैं आप लोग। 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स पूछिए बेटा। 1 से 6 तक कोई डाउट? 13 देखे बेटा, फिर 13th नंबर रब कर रहे हैं बेटा। जेड इज माइनस आई, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता। जेड जो है माइनस आई दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए, यही होता है जिससे किससे मल्टीप्लाई करें। तो बेटा क्या आंसर होगा जेड इनवर्स का? रेसिप्रोकल। अगर केवल आई है तो केवल आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बस, तो ऊपर तो आई नीचे माइनस 1 आ गया तो सिर्फ आई बच गया, तो माइनस जनरल नॉलेज तो ये आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे? 0 plus 1 i, ये आंसर जनरल नॉलेज। जेड इंटू जेड इनवर्स है तो एक तो a प्लस आयोटा b है और एक 1 over a plus iota b है, तो इनका आंसर क्या आएगा? जनरल नॉलेज। इस क्वेश्चन के अंदर जेड जेड इनवर्स है, जेड तो है माइनस आई और जेड इनवर्स क्या गया? आई, तो इसका आंसर क्या 1 आ रहा है? यस, तो माइनस आई स्क्वायर माइनस 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बोले आप। स्टेप पूछिए बेटा, किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नंबर पूछें। तो बेटा 5.1 कंप्लीट ट्राई करनी है, 5.1 को कंप्लीट ट्राई करेंगे। कल संडे है, वैसे संडे ऑफ रखते हैं, कल संडे है, संडे ऑफ रखते हैं, बट आपकी क्लास सेम टाइमिंग पे रहेगी। क्लास सेम टाइमिंग पे देंगे, सेम टाइमिंग पर। कल क्या कराएंगे? थ्योरी पोर्शन, थ्योरी पोर्शन ऑफ 5.1। 5.1 के स्टार्टिंग में एग्जांपल्स में कई काफी थ्योरी दे रखी है, कोई कॉमुटेटिव लॉ, कोई एसोसिएटिव लॉ, इंपॉर्टेंट नहीं है पर बुक में इसलिए आपको बताया जाएगा। प्लस पावरफुल असाइनमेंट, पीडीएफ आपको भेजा जा चुका है, किसी के पास ना पहुंचा तो बता देना, पीडीएफ इसका भेजा जा चुका है, व्हाट्सएप किया जा चुका है। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए भाई, किसी बच्चे को और कोई बात, कोई बच्चा और कोई बात कहना चाहता है तो बोले। तो कल 5.1 का थ्योरी पोर्शन, जो एग्जांपल में आप देखेंगे काफी थ्योरी दे रखी है वो, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहना चाहिए। कल फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कर देंगे, आज कुछ बच्चों ने किया हुआ, कुछ का पेंडिंग था, खैर आज डाउट ले ली,
फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप करने हैं। और कोई बात कहनी है तो बोलिए बेटा, नहीं क्लास खत्म करेंगे। कल आपसे फिर मिलेंगे 9:30 संडे, लेकिन मिस नहीं करना, रोज ही संडे खैर अभी तो मिस नहीं करेंगे। और आपको रेगुलरली डाउट पूछने, अगर आप पेंडिंग रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको, इसलिए पेंडिंग नहीं रखना बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट। कल असाइनमेंट, कल आपको फिर असाइनमेंट करनी है बेटा। ठीक है क्या बेटा, बहुत स्लो करवा रहे हैं, सबको समझ में आना चाहिए। नहीं आए तो आप ऑनलाइन पूछिए, बाद में फोन करके पूछिए। यस बेटा, और बोलिए, और कोई बच्चा कोई बात कहना चाहता है? ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। बाय मैम। ठीक है बेटा, बाय।